अन्नकनाथ भई वहदे अन्नकनाथ भई वहदे जब बासी भात कसायल माठा और नींद कनाश भई वहदे जब खटिया से खट्टी रवा ताता मर्द कनाश भई वहदे जब अंदर से मेहरारू डाटे और नारी कनाश भई वहदे जब औरे पुरुष से पर स्वारथ दात है आय हाय हाय रई रे रई रे रई रे अरे छिकोरा मारे झुलनी हो छिकोरा मारे झुलनी और साड़ी ला हराए हो छिकोरा मारे पहल पहल जब आवा गवनवा और मनसवा का देख के मेहरिया कह लटक दैले मनवा पहल पहल जब आवा गवन तो मनसौना का देख के मेहरुआ कह लटक गवा मन या कहे कारण रहा कौन कारण रहा भाई असल बात में देखो जब पहल पहल मलाई का शादी होत है तो मनई के अंदर बड़ी तमन्ना रहा था हाँ खुशी रहा था भाई चाहे मेहरारू हो चाहे मन से धूक है अच्छा 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 वह ससुरे जाए तो होते कि आज ससुरे जाए हाँ। वह मेहरारू ले आओ तो उनका खुशी होते आज हमारा मेहरारू आयु हाँ। पहल दिन के बातें दूसर हो अरे रौनक लग रहा था भाई मनई की जिंदगी में दुई रात आवा थी दुई रात हाँ दुई रात बड़ी करियर रात हो कौन रात ही पूरी जिंदगी में रात पड़त लेकिन वही दुई रात बहुत करियर रात हो बताओ भाई हम जान ले एक तो आए मौत वाली रात अच्छा मौत वाली रात मने मर गया अच्छा और दूसर रात दूसर रात वैसे कठिन वाली रात भैया वो कौन रात आ भाई वो आए सुहाग रात या और कठिन होत है और का मौत रात वो तो फिरो ठीक है मने मर गया छुट्टी पाएगा लेकिन सुहाग रात ही बड़े करियर है हाँ, कह लिए वही दिन वही का मनई का कहू दही मरेगा परत मनसवा का कल दही मारे का पड़ा वही बड़े करियर है अच्छा और सुनो वही के बिया भाग ससुरे गए अब जब ससुरे पहुंची तो मनसौना लाल पैर कपड़ा पहरे सरवा बैठ रहा हो पहुंची तो मेहरुआ मनसवा के कोची पेची लगाए अच्छा और जो कोची पेची की तो माला लिए सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे वही मनसौनी कहा थे हमसे दूर इन रहा बोलिया जिन कहे काहे कहे हम 40 दिन का बरते अच्छा वो काहे बड़े मेहरुआ से बोलत नहीं रहा काहे बड़े का बोले सार वहलाए कर हबे ना भवा वहलाए कर हने के सुहाग रात वाली नस मरी रही बे का जनी अब हम साला समझत नहीं ना खोद खोद बात का पूछत है कि पहल पहल जब आवा गवनवा और मनसवा का देख के मेहरिया कह लटक गए मनवा अरे मनसवा का देख के मेहरिया कह झूला हो जितो वाह महाराज वाह अच्छा पति का फर्ज निभा रहे हैं आप आपने मुझसे शादी रचा के अपने इस राजमहल में लेकर आए और यहां आते ही तुमने पहली महारानी के बेटे को मेरी गोद में सौंप दिया और कहा कि प्रिय इसकी परवरिश ऐसे ढंग से करना ताकि कभी ये एहसास न कर सके कि तुम इसकी सौतेली माँ हो और ये भी कहा कि खजाने की चाबी मेरे पास है मैंने खजांची को राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो बेहिचक मुझसे मांग लेना वाह महाराज कहलाने को तो मैं एक महारानी कहलाने को मैं यहाँ की महारानी लेकिन औकात एक भिखारन की लेकिन महाराज मैं यहाँ भिखारन बनने नहीं आई मैं आपका
मेरा तो सपना कुछ और है, मेरा सपना कुछ और है महाराज। तेरी सूरत देख के मैंने तेरे साथ शादी नहीं रचाई, केवल तमन्ना थी मेरे दिल में तेरा ये तख्तो ताज, तेरा ये तख्तो ताज। और शायद तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम महाराज, मैं प्यार किसी और से करती हूँ, जो मेरे बचपन का प्रेमी है, जिसका नाम डाकू तेजा है। उसी के कहने पर मैंने तेरे साथ शादी रचाई कि तेरे ना रहने के बाद एक दिन इस हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि तेरे इकलौता बेटा है, जो कि तेरे ना रहने के बाद एक दिन इस हुकूमत की बागडोर तेरा बेटा संभालेगा, मेरा क्या होगा। लेकिन महाराज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब मैं तेरे इस बेटे को देखती हूँ, जब मैं तेरे बेटे को देखती हूँ, मेरी आंखों में खून उतर आता है, जी में तो आता है कि शराम जादे का गला दबाकर अभी इसी वक्त इस दुनिया से दूर। महाराज आज मैंने अपने कमरे में बैठकर एक उपाय सोची है कि क्यों ना इस शराम जादे दुदमुहे को लेकर अपने आशिक डाकू तेजा के पास जाऊं, उसी के द्वारा इस शराम जादे की बलि चढ़वा दूं। उसके बाद बचोगे महाराज तुम तो कसम हमारी बेसर की, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतार दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी इस तख्तो ताज के लिए। इस तख्तो ताज के लिए अगर हमें खून की नदियां बहानी पड़े, फिर भी ये कालावती अपना कदम पीछे नहीं रखेगी। अब आज से महाराज तेरी बर्बादी शुरू होने जा रही है। आज इसी वक्त तेरे बेटे को लेकर अपने आशिक डाकू तेजा के पास जा रही है। और महाराज जब तक तेरे खानदान को मिटा नहीं दूंगी, ये महारानी कालावती चैन से नहीं बैठेगी। तुम लोग सुन लो, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी राधा बेसर की दौड़ा की गोली मारूंगी, क्योंकि महारानी कालावती का दूसरा नाम है मौत। महारानी, राजमहल के चारों तरफ हमारा सख्त सा पहरा लगा है, और तुम कुंवर को ले जाकर कहां की तैयारी में लगी है, इसलिए हम जानना चाहते हैं। और महारानी जी कुछ समझ में ना आया, महारानी जी कुछ समझ में ना आया, महारानी जी कुछ समझ में ना आया, और कुंवर को कहा आज ले ये सूली में जा। अगर मंत्री जी मानो
जरूर मानेंगे। अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना बदला तुम उस दिन का सारा, चुका लेना बदला तुम उस दिन का सारा, चुका लेना बदला तुम उस दिन का सारा। अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा। और मुझे याद उस दिल का मंजर है सारा, बिना अर्थ के बाहर जीने।